एंकर रिपोर्टर श्वेता सिंह आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। खबरों को पेश करने का अंदाज हो या फिर शब्दों की अदायगी हो, श्वेता सिंह अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को बांधे रखती हैं। तो चलिए आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम आपको आज बताने वाले हैं श्वेता की जिंदगी के कुछ अनकहे पहलुओं के बारे में। श्वेता सिंह का जन्म 21 अगस्त 1977 को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। श्वेता सिंह बचपन से ही एक फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, पर बाद में पत्रकार बन गए। श्वेता ने अपने शुरुआती शिक्षा पटना से ही पूरी की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान श्वेता सिंह को एहसास हुआ कि फिल्मों में काम करना आसान नहीं हो, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और मास कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। आपको बताते चले कि श्वेता सिंह की शादी संकेत कोटवकार नाम के व्यक्ति से हुई है। जी हाँ, संकेत एक कंपनी में सीनियर टेक्नोलॉजी मैनेजर है। और एक बार श्वेता सिंह अपने परिवार के साथ एक पार्टी में गई थी और वहीं उनकी मुलाकात संकेत से हुई थी। इसके बाद श्वेता और संकेत के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को खबर भी नहीं हुई। इसके बाद श्वेता सिंह ने संकेत से शादी कर ली और शादी के बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। वैसे अगर श्वेता के करियर की बात करें तो उन्होंने एक लोकल चैनल पेपर से खबरों की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद श्वेता सिंह ने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना कदम रखा। जी न्यूज, सहारा न्यूज जैसे चैनल में बतौर न्यूज रीडर और न्यूज एंकर काम करने के बाद साल 2002 में श्वेता सिंह ने आज तक को ज्वाइन किया। इसके बाद से अब तक श्वेता आज तक के साथ ही जुड़ी हुई है। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।